हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हो टीच टू टीच भाषा। फ्रेंड्स, यदि आप लाइब्रेरी साइंस से कोई भी वीडियो पाना चाहते हो या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो BLIS 221 से रहेगा। यदि आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उसको देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पुस्तकालय संघ रहेगा, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि अर्थ क्या होता है। कि जब किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा एक संगठन बनाया जाता है तो उसको हम संघ कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जब किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा एक संगठन बनाया जाता है तो उसे संघ कहते हैं। तो हम लाइब्रेरी संघ की अगर बात करें तो लाइब्रेरी संघ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राज्य स्तरीय होता है, राष्ट्र स्तरीय होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय होता है। राज्य स्तरीय में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे हैं, और राष्ट्रीय स्तरीय में IALA हो गया, ISLIP हो गया, अंतर्राष्ट्रीय में हमारा ALA हो गया और LAA हो गया। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय संघ के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो पुस्तकालय संघ के उद्देश्य क्या होते हैं कि पुस्तकालय व्यवसाय के सदस्यों की भलाई के लिए कार्य करना, कि पुस्तकालय व्यवसाय में जितने भी जुड़े लोग हैं उनके लिए भलाई के लिए कार्य करना, उनके लिए नियम कानून बनाना, नेशनल पुस्तकालय विकास के लिए पुस्तक आंदोलन अधिनियम को प्रेरित करना, नेशनल हमारा जनता में पुस्तकालय के प्रति जागरूकता फैलाना, नेशनल हमारा विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन करना। तो ये तो हमारे पुस्तकालय संघ के उद्देश्य हैं। पुस्तकालय संघ कितने प्रकार के होते हैं ये आपने पढ़ा, और पुस्तकालय संघ का क्या होता है ये आपने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय संघ के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए आचार संहिता प्रदान करना, जितने भी लाइब्रेरियन होते हैं उनके लिए एक आचार संहिता बनाती है, मतलब नियम कानून बनाते हैं। दूसरा है मजदूर संघ के रूप में सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है पुस्तकालय प्रसारण सेवा प्रदान करना, मतलब पुस्तकालय का सेवा उन लोगों तक पहुँचाना जिन लोगों तक पुस्तकालय सेवा प्रदान नहीं की जा पाती है। तो ये तो पुस्तकालय संघ के हमने कार्य पढ़े। अब इसकी कुछ गतिविधियाँ हैं। पहली गतिविधि क्या है कि पुस्तकालय का प्रचार करना, मीन्स पुस्तकालय का उन क्षेत्रों में प्रचार करना जहाँ तक कोई भी पाठक पुस्तक का लाभ नहीं उठा पा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना ताकि हर व्यक्ति शिक्षित हो सके। नेक्स्ट है मानक तैयार करना, मतलब एक मापदंड तैयार करना नियम कानून के लिए। नेक्स्ट हमारा है सम्मेलन का आयोजन करना जिससे कि वे अपनी तकनीकों का साझा कर सके। नेक्स्ट हमारा है प्रकाशन करना। पुस्तकालय संघ जो है वो पुस्तकालय संघ अपना प्रकाशन भी करता है, उसमें पत्रिकाएं, संवाद पत्र आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमने पुस्तकालय संघ के कार्य पढ़े, उसकी गतिविधियां पढ़ी। अब हम बात करेंगे ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या होता है। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पुस्तकालय संघ में ILA की भूमिका देखेंगे। ILA यानी भारतीय पुस्तकालय संघ यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 12 सितंबर 1933 को हुई है। बहुत ज़्यादा आपको 13 भी मिलेगा लेकिन आप 12 सितंबर 1933 लिख सकते हो। इसके प्रथम सचिव जो थे वो KM असदुल्ला थे और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो MO थॉमस थे। तो ये पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। भारतीय पुस्तकालय संघ के कुछ उद्देश्य हैं जिसमें से पहला है भारत में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना, कि भारत में जितने भी पुस्तकालय आंदोलन हो रहे हैं उसको गति देना। पुस्तकालय के विभिन्न पक्षों में सुधार करना। नेक्स्ट हमारा है पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना, जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं किए गए हैं उन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करना। अभी हमारे वर्तमान में 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना। तो ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के उद्देश्य हैं। अब ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के कुछ प्रकाशन भी हैं। सबसे पहला है इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी, दूसरा है लाइब्रेरी बुलेटिन और तीसरा है ILA बुलेटिन। तो ये हमने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना देखी, उसके अध्यक्ष देखे, उसके कार्य और उसके प्रकाशन देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और जो भी क्वेरीज वगैरह हो वो कमेंट में छोड़ सकते हो। थैंक यू।